हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट चैप्टर जो है ट्वेल्थ का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े थे। उसके अंदर हमने फिजन भी पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है। उसमें मैंने दो टाइप आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिजन की बताई थी, कौन सी बाइनरी फिजन और दूसरी कौन सी थी मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन किसमें बताया था, अम्बिबा, और मल्टीपल फिजन अमीबा में बताया, प्लाज्मोडियम के अंदर भी आपके साथ डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बोली थी, फिजन का एक टाइप और भी हो सकता है, वो बताया था प्लाज्मोटोमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मोटोमी क्या होता है। तो प्लाज्मोटोमी एक फिजन की ही स्पेशल टाइप है, जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ फिजन इन विच ए मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन डिवाइड इंटू टू और मोर मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल्स। एक मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन ए नंबर ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल के अंदर डिवाइड करता है। इस टाइप के फिजन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोटोमी। यह बहुत ही रेयर ऑर्गेनिज्म के अंदर फाउंड होता है। एग्जाम्पल इसका है पेलोमिक्सा ऑपेलिनिस, ये बहुत ही रेयर इंडिविजुअल के एग्जांपल्स मिलते हैं जिनके अंदर प्लाज्मोटोमी होती है। तो प्लाज्मोटोमी भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फिजन है जिसके अंदर एक मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब आप समझते हो ना, जिस सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। और मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन डिवाइड इंटू मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन है वो मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है। इस टाइप की जो फिजन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोटोमी। तो इसमें अभी तक चैप्टर के अंदर हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज हमने पढ़ी थी वो थी क्या थी, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, डिफरेंस दोनों के अंदर, और एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है या इसके एडवांटेज क्यों है। अब दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या था, वेरिएशंस आती है। क्या आती है, वेरिएशंस। वेरिएशन सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। नेचर के अंदर कंपटीशन कम होता रहेगा और जैसे जैसे सर्वाइवल होगा वो इजी होता जाएगा। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन बहुत कम आती है। आइडेंटिकल पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, उसमें वेरिएशन भी कम आती है। जो लाइफ रेस है वो इंप्रूवमेंट कम करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज्यादा करती है। तो अब हम आगे डिटेल में स्टडी कौन सी कर रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट हमने फिजन किया था। फिजन के बाद नेक्स्ट पार्ट आपको कौन सा बताया था, बडिंग। बडिंग के बाद फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोरुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कौन सा डिस्कस करेंगे, बडिंग डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।